वेलकम टू ढाका। तो गाइज अभी मैं हाजी नन्ना बिरयानी के ठीक सामने हूँ, मेरे पीछे आप अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ का सबसे फेमस बिरयानी है, ढाका का सबसे फेमस बिरयानी, उसका नाम है नाना बिरयानी। तो अभी मैं हूँ ढाका के सड़कों पे, आप देख सकते हैं यहाँ का जो क्राउड है कितना ज़्यादा क्राउड है। एक्चुअली ढाका है ही दुनिया का सबसे क्राउडेड सिटी। मैं बार बार अपने फ्रेंड को देख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिम कार्ड नहीं है और मुझे एड्रेस भी नहीं पता है, तो मैं बार बार भाई सबको फॉलो कर रहा हूँ। कहाँ गए? अभी तो यहीं करते हैं भाई साहब, एक रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं नाना बिरयानी जाने के लिए, और मैं जाऊंगा नाना बिरयानी का फूड टूर करवाऊंगा। वहाँ का जो बिरयानी है बहुत फेमस है, तो मैं ट्राई करता हूँ, रिव्यू भी दूंगा वहाँ का बिरयानी कैसा है। भाई साहब हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं कि हमें कोई रिक्शा मिल जाए, लेकिन आप भी देख सकते हैं जितना सारा रिक्शा आ रहा है, कोई भी रिक्शा अभी खाली नहीं है। मुझे बार बार ये सारा जो भीड़ भाड़ वाला जो ये रास्ता देख कर बार बार वो एक्सट्रैक्शन मूवी का याद आ रहा है। ऐसे एक्सट्रैक्शन मूवी में क्रिस हेम्सवर्थ ऐसे गुजरता है और अचानक से गाड़ी आती है। अच्छा सामने कैमरा। अच्छा मामा हेलो, तो एक ई रिक्शा मिल गया है भाई साहब, और ई रिक्शा से जाएंगे नाना बिरयानी। नाना 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 पुरातन ढाका राइट, और ये पुरातन ढाका है मतलब ओल्ड ढाका है, जैसे आपने दिल्ली में ना पुरानी दिल्ली, वैसे ये पुराना ढाका है। और जितना भी क्विजीन है ढाका का, जो ऑथेंटिक फूड है ढाका का, जो फेमस फूड है ढाका जिसके लिए फेमस है, वो पुरानी ढाका में ही है। तो मैं भी अभी पुरानी ढाका जा रहा हूँ, और पुरानी ढाका का सबसे फेमस बिरयानी है, सबसे फेमस ही बोलूँगा, दो तीन फेमस है, उसमें से एक फेमस है नाना बिरयानी। तो भाई साहब चलते हैं नाना बिरयानी की तरफ, और ये बिरयानी मैं सुना हूँ ऐसा बिरयानी है कि ये बिरयानी खाने के बाद आपको आपके नाना जी याद आ जाएंगे। देखते हैं नाना याद आते हैं कि मामा। लेट्स सी एंड लेट्स गो एंड लेट्स फाइंड आउट वेयर इज द अभी मैं हाजी नन्ना बिरयानी के ठीक सामने हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे वो हाजी नन्ना बिरयानी है, जो कि मैं इंडिया से यहाँ पे ढाका में आया हूँ। और ढाका में आने का सबसे पहला रीज़न है ये बिरयानी टेस्ट करना है मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा है इस बिरयानी के ऊपर और बहुत बखान सुना है मैंने इस बिरयानी के ऊपर। और
मैं जब यहाँ से आ रहा था तो उसका जो बिरयानी का जो खुशबू है वो दूर से ही आ गया था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं हाजी नन्ना बिरयानी का बिरयानी टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा ये खाने में कैसा है, रियली टेस्टी है या फिर सिर्फ भोकाली लोग मरते हैं। तो ये चलिए देखते हैं भोकाल है या रियली टेस्टी है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलते हैं अंदर। भीड़ पेल कर रहे हैं, मतलब कहीं से मैं जा नहीं सकता, मुझे पूरा वहाँ से घूम के जाना होगा। कहाँ से जाऊँ? রাইস আর উপরে গ্রেভি, এটা দাম কত? চল্লিশ। তো অভি আপনার বস রাইস আর গ্রেভি প্রাইস 40। এই হচ্ছে মুরগ পোলাও, 140 টাকা। পহলে যে চালিশ কাজ আর 140 কাজ হ্যাঁ মুর খুলা का बिरयानी 150। ये क्या है? तिहारी 150। बिरयानी 150। नाम क्या है? खासी तिहारी। अच्छा, खासी तिहारी बोल के कोई कुछ बोले हैं, उसका इसका प्राइस है 150। যদি খত্রিকা কাছে নিকালে লিখতে না পারি। खस्सी का कच्ची, खस्सी मतलब मटन, मटन का ये कच्ची बिरयानी है जिसके लिए फेमस है। 190 ये है, 190 का एक पीस खासी, एक पीस दो पीस, दो पीस खासी। आलू हलवा चालू है? आलू बालू चालू है। উপরে যাবো, দাঁড়াও, তোমরা তোমরা তো উপরে এখন যাচ্ছ না। यहाँ नीचे भी आप बैठकर खा सकते हैं और ऊपर भी जगह है बैठकर खाने के लिए। आप यहाँ के भीड़ को देखकर इमेजिन कर सकते हैं ये कितना फेमस है, और इसी फेमस के कारण ही मैं यहाँ पे आज ट्राई करूँगा। और ट्राई करने के पहले मैं थोड़ा सा मेन्यू का एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, फिर मैं जाऊँगा और खुद उसको टेस्ट करके बताऊँगा ये कैसा है। और प्राइस तो मैंने एक दो प्राइस मैंने बता दिया। सबसे पहले एक सिर्फ चावल पुलाव था और उसके साथ कुछ ग्रेवी था जिसका प्राइस 40 था। उसके बाद एक मटन बुखारी ना, मटन तिहाड़ी सा था, वो 140 का था। और ये है मटन कच्ची बिरयानी, एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं। तो अब मैं खुद ट्राई करने जा रहा हूँ बिरयानी को, सो लेट्स गो। तो ये है ऊपर का फ्लोर, ये काफ़ी थोड़ा खाली है और सही है, फुर्सत से खा पाएंगे यहाँ पे, वहाँ काफ़ी भीड़ थी। तो फटाफट हाथ धो लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ ये बिरयानी कैसा है। बिरयानी जबरदस्त है भाई। तो गाइज अभी ये जो कच्ची बिरयानी है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो चुका है। तो ये बिरयानी आप देख सकते हैं फुल्ली लोडेड विथ स्पाइस, और जो मटन है वो भी मुझे तो देख के सॉफ्ट लग रहा है, बट आपको मैं खाकर दिखाऊंगा कैसा है ये। और यहाँ पे भी प्लेट सज चुका है प्लेट के साथ साथ, और टेबल भी सज चुका है, एक्स्ट्रा ग्रेवी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये क्या है?
टिकिया है, टिकिया ये जो मटन है ना, ओके वो कुछ कुछ करे আর কি মোটামুটি এটা ওকে এটা হলো ফিন ফিরনি तो ये फिरनी और ये है टिकिया और सामने है आपके सामने स्मॉल पीसेस ऑफ सलाड्स और ये है बुरहानी इफ आई एम नॉट रॉन्ग बुरहानी इट्स लाइक एन एपेटाइजर ये आपको हजम करने में मदद करेगा तो जनाब ये है बुरहानी और ये जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है खाटी गुरूर दूधे यानी देसी दूध का ये मतलब गाय के दूध से बना हुआ है जिसमें कुछ मसाला यानी मसालादार दूध है बिरयानी का क्वांटिटी इतना ज़्यादा था कि मैं तो खा नहीं पाया ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैं अपना प्लेट भी दिखाता हूँ और ये भाई साहब का भी थोड़ा बचा हुआ है लेकिन इनके परफॉर्मेंस से लग रहा है कि ये फिनिश कर देंगे मैच विन हो जाएंगे और वो बाकी लोग धीरे धीरे खा ही रहे हैं और तो बिरयानी तो मुझसे हो नहीं रहा मैं हाफ प्लेट खाया मतलब ये पहले से ही हाफ प्लेट था फिर मैं उसका भी हाफ खाया इसके बाद मैं आता हूँ फिरनी की तरफ ये फिरनी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो या यूँ कह लीजिए फिरनी की तरफ मैं देख रहा था इसलिए बिरयानी नहीं खा पाया एनीवे अगर किसी को यहाँ पे आना होगा तो वो कैसे आएगा पुरानी ढाका में आके पुरानी छमड़ी बोलने से चलेगा अभी लिखा अभी छमड़ी बोलने से चलेगा अगर आप यहाँ पे यहाँ पे नाना बिरयानी आना चाहते हैं तो आप पुरानी ढाका में किसी से भी किसी रिश्ते वाले से भी आप बोलिएगा तो आपको वो यहाँ पे पहुँचा देगा एंड यू कैन इमेजिन हाउ फेमस दिस रेस्टोरेंट एंड दिस बिरयानी